नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। स्वागत है आपका द ब्रेकफास्ट शो में। अगले एक घंटे में हम आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ ही देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले देश विदेश की 20 बड़ी खबरें T20 न्यूज देखते हैं। कारगिल विजय दिवस के आज 25 साल पूरे लद्दाख दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। कारगिल युद्ध संग्रहालय का करेंगे निरीक्षण, शहीदों के परिवार रहेंगे मौजूद। सुबह करीब 9:30 बजे कारगिल युद्ध स्मारक का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। युद्ध स्मारक पर शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीरों को करेंगे नमन। कार्यक्रम की तैयारी पूरी। कारगिल विजय दिवस के मौके पर इंडिया गेट पर कार्यक्रम। वायुसेना के महिला अग्निवीर जवान दिखाएंगे दम। 29 महिला अग्निवीर वायु का होगा ड्रिल। महाराष्ट्र के एनडीए सांसदों से प्रधानमंत्री मोदी ने की मुलाकात। संसद में पीएम मोदी और सांसदों से मुलाकात। महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात पर हुई चर्चा। बीजेपी ने शुरू की विधानसभा चुनाव की तैयारी। 6 राज्यों में बनाए नए प्रभारी। दिलीप जायसवाल को बनाया बिहार प्रदेश अध्यक्ष, तो मदन राठौर को दी गई राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी। आज दिल्ली दौरे पर सीएम साई। कल होने वाली नीति आयोग की बैठक में होंगे शामिल। पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज 5वां दिन। कई मुद्दों को उठा सकता है विपक्ष। सदन में हंगामे के पूरे आसार। आज दिल्ली दौरे पर आएंगे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। अमित शाह और पीएम मोदी से भी मुलाकात संभव। जेपी नड्डा को सौंपेंगे रिपोर्ट। मानहानि मामले में आज सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होंगे राहुल गांधी। अमित शाह पर टिप्पणी के मामले में होगी पेशी। अमेठी और रायबरेली से पहले सुल्तानपुर आएंगे राहुल गांधी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का लोकसभा में दावा। बंगाल और झारखंड में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी। लागू है एनआरसी। जेएमएम आरजेडी और पप्पू यादव ने बयान पर जताया ऐतराज। कहा हर मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम सही नहीं। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल के पक्ष में संसद में चरणजीत सिंह चन्नी का बयान। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा, उठाए सवाल। गिरिराज सिंह ने किया पलटवार, कहा कांग्रेस का हाथ खालिस्तानियों के साथ। मुजफ्फरनगर के कांवड़ रूट पर यशवीर महाराज की नई मुहिम। होटल ढाबों में भगवान की तस्वीर लगाने की अपील, ताकि कांवड़ियों को पहचान करने में आसानी हो। विवाद पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का बदला गया नाम। दरबार हॉल कहलाएगा गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप होगा। कश्मीर में घुसपैठ रोकने के लिए सुरक्षा बलों का बड़ा अभियान। सांबा में पाकिस्तान बॉर्डर पर सुरंग रोधी अभियान चला रहे जवान। सुरंग के जरिए कश्मीर में घुसपैठ की आशंका। कश्मीर में आतंकियों की मददगारों पर शिकंजा। पुलिस ने 2 ओवरग्राउंड वर्कर को किया गिरफ्तार। आतंकियों को हथियार और वाईफाई देने का आरोप। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से 14 सड़कें बंद। मौसम विभाग ने 26 जुलाई तक जारी किया येलो अलर्ट। मुंबई में एक बार फिर भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। लोगों को घरों में रहने की सलाह। स्कूल और कॉलेजों को बंद रखने के आदेश। पेरिस ओलंपिक में भारत की शानदार शुरुआत। आर्चरी में महिला और पुरुष टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। रैंकिंग राउंड में धीरज बोम्मा देवरा 4थे नंबर पर। अंकिता भगत की सीजन बेस्ट परफॉर्मेंस। टेबल टेनिस के इवेंट के ड्रॉ का हुआ ऐलान। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा विमेन सिंगल्स इवेंट के पहले राउंड में ग्रेट ब्रिटेन की अन्ना हर्सी से भिड़ेंगी। शरद कमल मेन सिंगल्स के पहले राउंड में स्लोवेनिया के डेनी कोजल से भिड़ेंगे।
पेरिस ओलंपिक पर आतंकी हमले का खतरा, सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती, आईएसआईएस के आतंकी कर सकते हैं हमला।